हाय फ्रेंड, मैं विमला। आज हम रोटी रैप बनाएंगे। अभी रोटी रैप बहुत ही ट्रेंड में है, ये बहुत ही इजी है। हम दो तरह का रोटी रैप बना रहे हैं, एक पिज्जा स्टाइल में, एक बर्गर स्टाइल में। ये नॉर्मल रोटी है, जैसे हमने आटे की ही रोटी बनाई है, आप चाहें तो मैदा की भी बना सकते हैं। इस रोटी को हम सेंटर से इसको चार पार्ट में इस तरह से मोड़ेंगे, इस तरह से रैप करने के लिए। इसके बाद इसके एक पार्ट को हम कट करेंगे, इससे हमको रैप करने में आसानी रहेगी। हम पहले पिज्जा रैप बनाते हैं। ये पिज्जा रैप बनाने के लिए हम पिज्जा सॉस डालेंगे। इस रोटी पे हम पिज्जा सॉस लगा दिए हैं। पिज्जा सॉस चारों तरफ लगाने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और पिज्जा सॉस के बाद हम ये वेजिटेबल है, ये कैप्सिकम है, रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, ओनियन, टोमेटो, इसको लगाएंगे हम। वेल पेपर एक पोर्शन में हम इसको फैला देंगे। बच्चे प्लेन रोटी खाना एकदम भी पसंद नहीं करते हैं, तो ये बहुत इजी और अच्छा है, हेल्दी भी है। हमने ये रोटी पे ही बनाया, हम मैदा का यूज नहीं किया। ये नेक्स्ट पे हम चीज लगा रहे हैं, चीज भी अच्छे से लगा देंगे। नेक्स्ट हम पनीर, ये हम मसाला पनीर लगा रहे हैं। मसाला पनीर आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, प्लेन पनीर से मसाला पनीर ज्यादा बेटर लगेगा। इस तरह से हम इसको कर दें। ये पिज्जा सॉस है, इसके ऊपर हम कुछ ऑलिव्स लगा देंगे। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, जब अच्छा लगता है तो खाने की इच्छा होने लगती है। वेजिटेबल के ऊपर हम थोड़ा सा साल्ट एंड पेपर लगाएंगे। ऑल पर्पज सीजनिंग हर्ब है, थोड़ा सा ये बुरक देंगे। ऑरिगेनो डालेंगे, ये पूरे पे ही डाल देंगे थोड़ा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अभी हम फर्स्ट पार्ट जहां से कट किए थे उसको इस तरह से करेंगे और थोड़ा प्रेस करेंगे। नेक्स्ट इस पे चीज वाले को कर देंगे, नेक्स्ट पनीर वाले को कर देंगे। ये बहुत ही अच्छा रैप हो गया है। अब हम इस पे थोड़ा बटर लगा देंगे। बटर लगा के तवे पे थोड़ा गर्म सेक लेंगे, थोड़ा क्रिस्पी हो गया और ये पिज्जा रैप रेडी है। अब हम बर्गर रैप बनाएंगे। ये रोटी ले लिए, रोटी को हम सेंटर तक काट लेंगे। टोमेटो सॉस लगाएंगे, लगाए हैं। नेक्स्ट हम कुछ वेजिटेबल्स लगाएंगे, जैसे टोमेटो। इस तरह से बच्चे या सभी वेजिटेबल भी खा लेते हैं। मैं थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग लगाई हूं, आपके पास नहीं हो तो आप चीज सॉस या मेयोनीज भी लगा सकते हैं। इसको हम थोड़ा फैला देंगे, टेस्ट लगा देंगे। और वेजिटेबल की पैटी बना रखी थी, ये लगाई हूं। इसके ऊपर हम एक चीज, स्लाइस चीज लगा देंगे। साल्ट पेपर लगा देंगे, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही सिंपल। अब हम इसको रैप कर देंगे। फर्स्ट रैप ऐसे, नेक्स्ट रैप ऐसे दबा के, और नेक्स्ट ये इस तरह से। अब हम इस पे बटर लगाएंगे पहले पैटिस की तरह, और हल्का हल्का सेक देंगे। हमारा तवा गर्म है, टोस्टर में सेकने से इस पे डिजाइन बन जाती है। और ये पैटीज
ये रैप आप बहुत तरह से बना सकते हैं। रैप रेडी, बर्गर स्टाइल रैप रेडी। इसको कटर से काट लेंगे, एकदम पिज्जा बर्गर। रोटी से या पिज्जा भी बना लिए, रोटी से या बर्गर भी बना लिए। बोलो, ये एक बर्गर रैप एक पिज्जा रैप रेडी है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।